हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग, सब फ्रेंड्स? आज मैं आप सभी के साथ कुछ दिल की बातें शेयर करने आई हूँ। और बहुत टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे। काफ़ी टाइम पहले मैंने ब्लॉगिंग मतलब करना बंद कर दिया था, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था। तो मैंने कुछ टाइम तक कोई भी वीडियोस वगैरह कुछ नहीं डाले थे, लेकिन मैं फिर से कमबैक करना चाहती हूँ। फिर से मैं एक मौका और देना चाहती हूँ खुद को कि मैं रेगुलर रह पाऊँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। सो क्या कहते हैं, वही मैं आपको अपडेट करने आई हूँ। और आप मेरे शॉर्ट्स वगैरह तो देखते ही आ रहे हैं और उस पर मेरे को प्यार भी देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरे मतलब काफ़ी लोग मतलब काफ़ी नहीं, कुछ लोगों के मैसेज वगैरह भी आए, कमेंट भी आए। आप चेक कर सकते हैं पिछले शॉर्ट्स वगैरह में या वीडियोस में कि क्या कहते हैं, मेघना आप रेगुलर ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं, ये वो। मतलब एक कुछ फ्रेंड्स ने बोला जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं। और तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं करती हूँ। और क्या कहते हैं, पहले भी मेरे ब्लॉग्स अच्छे चलते थे, लेकिन कुछ टाइम हो गया ऐसा जो कि किसी किसी रीज़न की वजह से मैं अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। इस वजह से मैंने एक ब्रेक ले लिया। राइट नाउ आई एम फाइन और मैं कमबैक करना चाहती हूँ। और क्या कहते हैं, दूसरा मैंने वेट लॉस पर भी काफ़ी कमेंट आए कि मतलब आप वेट लॉस कर रहे थे, आपका क्या हुआ, आप तो फिर से मोटे हो गए, ये वो। सो पिछली बार जो मैंने 10 kg वेट लॉस किया था, उसके बाद मैंने फिर से गेन कर लिया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आप लोगों को पता भी है मेरी सर्जरी हुई थी पिछले साल, उसके बाद मैंने थोड़े टाइम तक मैं रेगुलर कर पाई थी, फिर उसके बाद मेरा कंटिन्यू नहीं कर पाई डाइट को। तो क्या कहते हैं, इस बार मैंने सोचा है वेट लॉस के लिए फिर से। और इस बार मैं सोच रही हूँ जो भी मैं करूँगी वो मैं दिखाऊँगी, और कैसी मेरी जर्नी रहेगी उसमें आपका साथ चाहती हूँ। और जर्नी में आप सभी के साथ ये जीना चाहती हूँ। आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे या नहीं वो मुझे बताइएगा। और क्या कहते हैं, बस वही है थोड़ा। मैं अपना वेट वगैरह ये सब आप सभी के साथ शेयर करूँगी, मैं क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मतलब वो सब चीज़ें भी अपनी शेयर करूँगी। ये नहीं कि मैंने वेट लॉस कर लिया फिर उसके बाद में आकर मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, नहीं मैंने इतना कर लिया, मैंने उतना कर लिया। तो आप सभी के साथ रहकर मैं करना चाहती हूँ, आप लोग बताइएगा मेरा आइडिया कैसा है। और बहुत से लोग आजकल वेट लॉस चैलेंजेस ले रहे हैं, तो मैं भी कुछ कुछ वैसा ही सोच रही हूँ। वो क्या है वो आपको इसके बाद जो ब्लॉग आएगा मेरा वो उसमें आपको पता चल जाएगा। और मैंने क्या कहते हैं, वेट लॉस की जर्नी में आप लोग मेरे साथ रहेंगे, या कोई भी आप टिप्स देना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। बस यही एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगी। और कुछ लोग तो बहुत अच्छे से बोलते हैं कि आपका वेट लॉस क्या हुआ, आपने स्टार्ट किया था, आपने कुछ अपडेट नहीं किया। लेकिन उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम मतलब जब तक मैं कर रही थी तब तक मैं रेगुलर अपडेट भी कर रही थी। और जब मैंने क्या कहते हैं बंद कर दिया था करना, तो मैंने एक वीडियो बना के डाला था, मे बी शायद वो है या नहीं है मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने अपडेट किया था कि अब मैं नहीं कर रही हूँ और मैं ब्लॉग वगैरह भी अभी कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ। सो क्या कहते हैं, वही सब है। आप लोग का क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग अगर वेट लॉस से रिगार्डिंग कोई टिप्स वगैरह देना चाहते तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। और मैं जो कर रही हूँ वो तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी ही करूँगी। सो मेरे वेट लॉस जर्नी के साथ साथ मेरा रेगुलर व्लॉग्स भी रहेंगे जो मेरा रूटीन होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, आप अगर वेट लॉस कर रहे हो, आप अकेले हो तो आप क्या कहते हैं कर ले जाते हो बहुत इजीली, लेकिन आप फैमिली के साथ रहते हुए कैसे कर रहे हो वो चीज़ एक बहुत चैलेंजिंग हो जाती है मेरे लिए तो काफ़ी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में टाइम की बहुत कमी होती है। और मॉर्निंग के टाइम में अगर आप 10 मिनट भी लेट उठ जाते हो ना,
तो आपका क्या कहते हैं रूटीन बहुत इधर उधर हो जाता है। सो क्या कहते हैं बच्चों को, मेरे बड़ा बेटा है वो ट्यूशन जाता है, वो स्कूल जाता है सॉरी, तो उसका देखना। फिर छोटा बेटा है वो इधर उधर मस्ती करता ही रहता है जब से उठता है तब से। तो और हस्बैंड का ऑफिस जाना रहता है, तो वो सब मैनेज करते हुए मुझे मेरी जर्नी क्रॉस करनी है। तो उसी के रिगार्डिंग मेरे व्लॉग्स रहेंगे, और कैसे क्या क्या मैं करूँगी तो वो तो मैं डेफिनेटली आप सभी के साथ शेयर करूँगी। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सभी के साथ की ज़रूरत है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और अपना सपोर्ट मुझे दीजिएगा। सो यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी वेट लॉस जर्नी। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा क्या, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन मेरा साथ है इस मेरी वेट लॉस जर्नी में। ईच एंड एवरी थिंग मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सो चलिए बाय बाय।